नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो विज्ञापन बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबार में, दोनों विज्ञापन का फर्क बताएंगे आपको। नियोजन नीति तो बन ही रही है, कोई बहुत बड़ी अब बात नहीं होगी। नियोजन नीति बना करके तैयार है और जल्द ही आ जाएगी। लेकिन दो विज्ञापन आज आया, एक विज्ञापन हेमंत सोरेन को और एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का। दोनों विज्ञापन में क्या अंतर है ये समझाते हैं। उत्तराखंड में नकल करने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा है, इसे लेकर सरकार की संवेदना को समझिए कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नकल करते हुए कोई पकड़ा गया तो न्यूनतम पहली बार में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा है, और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 लाख के जुर्माना के साथ 10 वर्ष की सजा है। इसके साथ जो लोग क्वेश्चन आउट करवाएंगे, जो लोग क्वेश्चन लीक करेंगे, उनको आजीवन कारावास के साथ साथ 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितना कठोर कानून बनाया गया है जिससे कि स्टूडेंट जो है वो निर्भीक होकर के तैयारी करें और उनको ये डर नहीं सताए कि परीक्षा होगा तो सेटिंग केटिंग हो जाएगा और फिर आंदोलन और जांच के नाम पर समय उनका बर्बाद हो जाएगा। नकल करने वाले छात्रों के लिए, समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए उन्हें हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये सभी और जितने भी लोग एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनाए हैं उसकी कुर्की जब्ती करवा दी जाएगी। तो ये कुछ संकल्प हैं सरकार के, राज्य सरकार की नौकरी हेतु भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए ये सख्त कानून बना है। सख्त कानून की बात होगी तो फिर झारखंड से सटे हुए बंगाल में ले चलते हैं, जहां पर शिक्षा का जब वैकेंसी आए और उसमें जब नौकरी को लेकर के जब आरोप लगा कि घोटाले के तहत नौकरी मिली और जांच हुआ, तो आज एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आ गया। सामने ये आ गया कि जो लोग इंटरव्यू लिए थे नौकरी में लेने के लिए, जो लोग इंटरव्यू बोर्ड के पैनल में थे, वो खुद सेटिंग करके आए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि टीचर तो सेटिंग करके बनी गए बंगाल में, लेकिन वही दूसरी ओर जो लोग इंटरव्यू लिए थे इंटरव्यू के पैनल में बैठे हुए लोग भी सेटिंग करके आए थे। अजब बात हो जाती है। झारखंड में विज्ञापन में सुर्खियों में हेमंत सोरेन इन दिनों रह रहे हैं। हेमंत सोरेन का आज एक विज्ञापन आया है जिसमें 1 मिलियन का, जैसे 10 लाख का ट्विटर फॉलोवर्स होने पर उन्होंने शुभकामना दिया है कि सभी लोगों को बधाई दिया है। और राज्य का सबसे बड़ा चर्चित युवा नेता बताया है, युवाओं के लिए सोचने वाला नेता है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। हालांकि हेमंत सोरेन से जो त्रुटियां होती होंगी उनके पीछे हेमंत सोरेन से ज्यादा उन सरकारी अधिकारियों का हाथ होता होगा जो सरकारी अधिकारी उन्हें इन चीजों की सलाह देते होंगे। 2 दिन पहले ही हमारे नए कार्यालय के उद्घाटन में जब सरयू राय आए थे तो उन्होंने अपने स्पीच में साफ तौर पर कहा था कि नियम बनाते समय ये देखना चाहिए कि नियम में आप कैसे भी करके युवाओं के प्रति सोचे, न कि उसे कहीं ना कहीं लटका दे। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब नियम बनाया जाता है उसमें ऐसे क्लाउज छोड़ दिए जाते हैं जो क्लाउज से नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों झारखंड में युवा की परेशानी किसी से छुपी हुई नहीं है, और इस परेशानी के चलते युवाओं ने अब सोचा है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके पहले वो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनको नौकरी मिल जाए। ऊपर से शिक्षा मंत्री का रोज नया बयान आ जाता है। अभी कल का ही बयान था जिसमें हमने वीडियो किया था कि 11-11 शिक्षक हर स्कूल में लेंगे, लेकिन वो पारा टीचर के तर्ज पर होगा। तो PGT TGT वाले क्या करेंगे ये स्पष्टता तो नहीं किया, लेकिन अपना इरादा उन्होंने बता दिया। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, विज्ञापन का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जब एक विज्ञापन ऐसा हो कि जिसमें हमारे युवा मुख्यमंत्री 1 लाख से ज्यादा और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिए, तो समझिए क्या खुशी का दिन होगा और युवा कितना खुश हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये दिन भी जल्द ही आ जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।